आई लव यू टू। क्या कर रहे हो? आप ही ने तो अभी आई लव यू बोला ना। हेलो, अरे यार मेरे साथ में लड़की नहीं है, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यार तुम रो रहे थे। मुझे सच में लगा कि नहीं रोते नहीं यार। सो किड सो के चिल चिल। मैं सच में एक अच्छा लड़का चाहती थी। ओके एंड आई फील लाइक कि आप वैसे थे, इसलिए मुझे लगा कि वाओ अब अच्छा मोमेंट आ गया है, इसलिए हेलो। यार आज से पहले कभी किसी ने आपसे कहा है कि यू आर सो गॉर्जियस? ओके, आपको पता है आपने एक चीज डिजर्व करती हो। क्या? काला टीका डिजर्व करती हो। ओह या, क्यों? और मैं चाहता हूँ कि कैन आई बी योर काला टीका, बिकॉज़ अगर मैं साथ में रहूंगा ना तो आपको नजर नहीं लगेगी, बिकॉज़ आई एम ब्लैक ना यार। ओह या। मैंने ना रील्स देखी है आजकल। अच्छा। तो रील्स में ना ऐसे ही होता है कि एक लड़की अपने साथ में ना काला लड़के लेके चलती है और वो बोलती है कि मुझे ना नजर नहीं लग सकती। क्यों? वो कहती है देख मैं ना अपना काला टीका साथ लेके चलती हूँ साथ में। तो मैंने सोचा कि यार काश मैं भी किसी प्यारी सी लड़की का काला टीका बन जाऊं। ओके। बस एक बात बताओ, आर यू सिंगल और कमिटेड? अभी तो मैं सिंगल हूँ यार, मुझे जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। लाइक हालांकि अभी मेरा ब्रेकअप हुआ था तो लाइक उसके बाद से नहीं। ओके यार ये वाले इश्यूज ना मेरे भी है, पता है मेरी भी एक बहुत पहले कोई थी ही नहीं, लेकिन दूसरों का देख देख के मैं सोचता था कि मेरी कहानी भी इनके जैसी ना हो जाए। तो उस चक्कर में पता है मैं कभी किसी को बोल नहीं पाया। लेकिन पता है तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि मैं कितनी दूर से आया हूँ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे हर वो जगह पता है जहाँ पे तुम जैसे कि नेल पॉलिश के लिए जाते हो, कहाँ से सामान लेते हो, कहाँ पे तुम मैनिक्योर कराते हो, कहाँ पेडिक्योर कराते हो। ये मैं सोचना कि मैं ब्यूटी पार्लर में काम करता हूँ तो इसलिए मुझे ये सब कुछ पता है। बट ये है कि मैं ना तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहता हूँ, स्टॉक करता रहता हूँ। मेरा मानना यह है कि कोई भी रिश्ता आप बनाओ ना तो सच से बनाना चाहिए, वैसे तो लोग आजकल झूठ से बनाते हैं तो। बट मेरा मानना यह है कि हमेशा सच से शुरुआत करनी चाहिए। व्हाट यू थिंक? तो बस मुझे यही बता रहा था कि मैं ना तुम्हें स्टॉक कर करके थक गया हूँ। अब मैं चाहता था कि नहीं यार एक बार दिल खोल के बात कर ली जाए, बेटर है। तुम्हें लगता है मेरे अंदर कोई कमी है वैसे? नहीं, अच्छा। और हाइट कैसी लगती है तुम्हें मेरी? अच्छा, टॉल, हैंडसम। ओके, और कुछ ऐसे चेंजेस जो तुम मेरे अंदर बदलना चाहते हो? I really like you as you are. जैसा भी हो तुम्हें अच्छा तो लगता हो ना? बिल्कुल, मेरी इतनी high demands नहीं। Okay, अब बताए मेरा पता क्या कहना है यार? मतलब मेरा जो तुम पे crush सा है ना, जिसकी वजह से मैं तुम्हें stalk करता रहता हूँ, follow करता रहता हूँ, मैं उसको ना एक नाम देना चाहता हूँ, उस craziness को, उस पागलपन को एक नाम देना चाहता हूँ कि जो मेरा दिल हमेशा से चाहता है। क्योंकि मैंने सोचा था यार लाइफ का ना कुछ भरोसा नहीं है, जो आपके दिल में होता है ना वो कह देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? और वो भी सही टाइम पे। एग्जैक्टली यार, टाइमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने यही सोचा था कि एक दिन तो जरूर बोलूंगा, कैसे भी करके बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर, फिर चाहे उसके बाद तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, आई डोंट केयर यार, बट मेरे दिल में ना बोझ नहीं रहेगा कि मैंने ये बात बोली नहीं। तो वो ना मैजिकल वर्ड्स है यार, उनको सुनने के बाद ना इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। Okay. वैसे कौन से? वैसे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि उनका रिस्पांस पॉजिटिव ही हो तो ज्यादा बेटर है। बाकी आपकी चॉइस है, आप नो भी कर सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ना सुकून सा मिलेगा मुझे अगर रिस्पांस पॉजिटिव होएगा तो ही मैं बोलूंगा। Okay. You can try. आप सुनना चाहते हो? Yeah, I would love to hear. वैसे आपके पास ना चॉइस है, आप मेरा दिल रखने के लिए भी बोल सकते हो, बाद में चाहे आप टाइम ले सकते हो उस बारे में। और सच बता रहा हूँ आपको मेरी कंपनी बहुत पसंद आएगी। ओके, पक्का, चलो। आई लव यू यार। ओके, आई लव यू टू। सच में यार, एक बार और बोलोगे?
आई लव यू टू। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली बात ना तुम मेरा हाथ पकड़ के बोलो यार, सच में मेरा ये सपना ना सच हो जाएगा। कैन इट्स पॉसिबल? ओके आई विल ट्राई। आई लव यू टू। क्या कर रहे हो? आपने तो अभी आई लव यू बोला ना। हेलो, अरे यार मेरे साथ में लड़की नहीं है, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। हाँ लड़की नहीं है यार। आपने मुझे आई लव यू बोला था ना। एक मिनट। हेलो, अरे कॉल कट गई यार। मैं ब्लूटूथ पे अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, बड़ी मुश्किल से उससे मैंने नंबर लिया था। आपने मुझे अभी अभी आई लव यू बोला था। एक मिनट बैठो तो सही। आप इतनी देर से बात कर रहे थे मुझसे यार। मैं ब्लूटूथ पे बात कर रहा था यार, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी दोस्त के रिप्लाई कर रहा था। मैं आपको क्यों बोलूंगा यार, डू वी नो ईच अदर? बस मैं इसलिए बैठ गया था कि आप अच्छे लग रहे थे, मैंने सोचा कि चल मैं पास में बैठूंगा तो कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। आपकी वजह से यार ब्रेकअप और हो गया, लड़की पटने से पहले ही चली गई। लेकिन मेरे साथ तो आपने ऐसा कर दिया। अरे मैंने नहीं किया, मुझे लगा अच्छा लड़का है तो। अरे नहीं मैंने ऐसा नहीं था यार, मेरे दिमाग में आप सच में खूबसूरत हो। एक मिनट यार मैं कॉल उठा लेता हूँ उसकी ना। आई एम रियली सॉरी, आपको सोचना चाहिए था। आपने जो मेरी वजह से, आपकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। शरीफ बंदे हो, अच्छे लड़के हो। शरीफ ही तो हूँ मैं। हेलो हेलो, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भाई, ऐसी रैंडम लड़की बैठी हुई थी। हाँ आई एम रियली सॉरी यार। हेलो भाई, आपने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया यार। आपने मेरे साथ अभी अभी पता है ऑलमोस्ट आई फील प्रैंक्ड। दिस इज नॉट यार, आपने घर उजाड़ दिया मेरा। ठीक है आई नो आई हैव बीन सिंगल, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा भी तो दिल तोड़ा है ना आपने। नहीं नहीं जाओ आप जाओ। हेलो यार, आई एम रियली सॉरी, आप अपसेट मत हो, आई लव यू टू यार। हेलो यार, एक्चुअली आई एम डूइंग अ प्रैंक, सी माय कैमरा इज देयर, कॉल पे कोई भी नहीं, बट इतना अपसेट मत हो यार, आई एम रियली सॉरी। से हाय यार, प्लीज अपसेट मत हो, कॉल पे कोई भी नहीं है और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई रियली गॉट प्रैंक्ड। हां बिल्कुल यार, आई एम रियली सॉरी यार, इट्स ओके। कोई नहीं यार, आई लव यू यार, मैं बोल सकता हूं। आई एम रियली सॉरी, बट आई हैव बीन रियली बोलो I was really into the conversation and मुझे सच में लगा कि यार अपसेट फील क्यों कर रहा। आई एम रियली सॉरी ना। ओके ठीक है, बट नहीं है अजब, ऐसे मेरी लाइफ में अच्छा नहीं लगा। वैसे सच में मेरी लाइफ में कोई नहीं है यार, वी कैन कनेक्ट। डोंट क्राई यार, तुम रो रहे थे। मुझे सच में लगा कि नहीं रोते नहीं यार। इट्स ओके, चिल। मैं सच में एक अच्छा लड़का चाहती थी। ओके एंड आई फील लाइक कि आप वैसे थे, इसलिए मुझे लगा कि वाह अब अच्छा मोमेंट आ गया, एंड इसलिए मैं इतना इनटू द कन्वर्सेशन हो गई, वरना मैं लड़कों से बात भी नहीं करती हूं। हां मैंने देखा, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं यार इसने, कैसे क्यों क्या, बस ठीक है। आपका ऑरा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, आई आल्सो बिलीव इन ऑरा यार, एंड यू हैव वेरी पॉजिटिव वाइब्स। ओके बट क्या कह रही हो रंबो? एक मिनट, ये चांस तो मुझे मिलना चाहिए। सॉरी, रियली सिंगल? हां आई एम रियली सिंगल यार। एक्चुअली बस मैं यहां पे, हां जा सकते हो, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं जाऊंगा ना यार तुम्हारे साथ में। डोंट वरी यार, चिल। सही पक्का? सी हियर इज माय हैंड, ओपन करो। ओके रिलैक्स, मुझे थोड़ा इश्यूज है, मुझे भी बहुत ज्यादा इश्यूज है। टेक डीप ब्रेथ, ओके रिलैक्स। आई एम हियर एंड सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, आई गॉट इट। जब आपने बोला कि आई एम रियली सॉरी यार, ये तो ज्यादा सीरियस हो गई है, ये प्रैंक कभी कभी क्या कराएगा यार। कैन आई अपलोड यार? अमेजिंग रिएक्शन आई गॉट। ओके एंड आज तुम मुझे कॉफी पिलाओगे या मैं जाके पीऊं? नहीं मैं ही पिला दूंगी। पे करोगे? अरे मैं पे कर लूंगा, इट्स ओके। नहीं अगली, उसके बाद से तो फिर कंटिन्यू खर्ची कराने मुझे।
गाइस वुडन थिंकिंग कि यार मुझे जाना चाहिए बाहर में, और ये अमेजिंग रिएक्शन आपको पसंद आए तो वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके सो लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, चलेंगे? मन नहीं कर रहा यार, मैंने ये रोने लगेगी।